नमस्कार, मैं रीना शर्मा, स्वागत है आपका। आज आपके साथ लेकर आई हूँ मैं बहुत ही बढ़िया सी डिलीशियस टेस्टी सी रेसिपी। ये टेस्टी के साथ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। अगर घर में आप पार्टी कर रहे हैं तो ये पार्टी की हिट और टेस्टी रेसिपी रहेगी। इसका नाम है काजून पटैटो। ये चाइनीज डिश है, इसको हम घर में ही बनाएंगे। ये बहुत आसानी से हमारे घर में बन जाएगी। बच्चों के साथ, मेहमानों को, सबको पसंद आने वाली रेसिपी है ये। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। काजून पटैटो ये आलू की डिश है, नाम ही सुनने में बड़ा अच्छा है इसका। हम इसे आलू से बनाएंगे। मैंने आलू को पहले अच्छे से बढ़िया से वॉश किए हैं, क्योंकि आलू हमें छिलके के साथ ही लेने हैं, तो इसलिए आप आलू को पहले अच्छे से वॉश करेंगे। फिर इसको 2 से 3 सीटी लगाकर पकाएंगे। हमें आलू को इतना पकाना है कि ये ज़्यादा ना तो टूटें और ना ही ये ज़्यादा कच्चे रहें। बिल्कुल ठीक मात्रा में इसे पकाएंगे। तो चलिए, जब तक आलू बॉइल्ड होते हैं तब तक हम अपने मिक्सचर की तैयारी करेंगे। सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है, साथ ही कॉर्नफ्लोर भी है। 2 चम्मच इसके कॉर्नफ्लोर के लेंगे। आप अरारोट चावल का आटा ये भी ले सकते हैं। थोड़ी सी चिली फ्लेक्स हैं, काली मिर्च का पाउडर है, थोड़ा सा ओरिगेनो भी डालेंगे। चाइनीज डिश है और ओरिगेनो सबसे पहले डाला जाता है। हल्का सा नमक डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे और पानी के साथ एक अच्छा सा इसका घोल तैयार करेंगे। बस बढ़िया सा घोल तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही आसान डिश है, कुछ भी समय नहीं लगेगा आपका इसको बनाने में। बढ़िया सा तैयार हो जाता है ये हमारा स्नैक्स। बस बैटर को बढ़िया सा बनाना है हमें, ना ज़्यादा रनिंग रखना है और ना ही ज़्यादा थिक। अब थोड़ा सा तेल डालेंगे पैन में, इसको हल्का सा गर्म होने के लिए रखेंगे। देखिए, आलू बिल्कुल उबल चुके हैं, बहुत ही अच्छे से, बढ़िया से उबले हैं ये। इनको ऐसे दबा दबा कर रखेंगे। तेल बिल्कुल गर्म है, एक एक करके इसमें डाल देंगे। बस बढ़िया से काजून पटैटो हमारे बहुत ही अच्छे से तैयार होंगे। आप पार्टी में, स्नैक्स में, टी टाइम में जब मर्जी बनाएं, इसे खाएं। बच्चे तो बहुत ही खुश होकर खाएंगे इसे। बीच बीच में इसे पलटते रहेंगे। इसको कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया है। पहले मैंने हाई फ्लेम रखा है, उसके बाद थोड़ा सा स्लो करेंगे। स्लो फ्लेम पे इसको कम से कम 5 से 7 मिनट तक के लिए इसको फ्राई करेंगे, तभी हमारे काजून पटैटो बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे और घर में ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी काजून पटैटो आपके बनकर तैयार होंगे। सभी आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे अगर आप इस तरह से काजून पटैटो बनाएंगे। बस अब हम इसे निकाल लेंगे। इसको 10 से 12 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया है, तभी इतने बढ़िया सा कलर आया है इनका। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तेल का डाला है और साथ ही लहसुन मैंने थोड़ा पीस के रखा था। लहसुन को 5 से 4 कली लहसुन की हैं, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और इसको हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे और फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे। वैसे तो इसमें लहसुन का पाउडर डाला जाता है, होटल में हमेशा लहसुन का पाउडर ही डालते हैं, लेकिन हमारे घर में अगर लहसुन का पाउडर नहीं है तो आप ऐसे लहसुन को हल्का सा ब्राउन करें, ठंडा करें, उसके बाद इसको हम अपने मिक्सचर में मिलाएंगे। तो ये है काजून पोटैटो की सॉस। अब हम काजून पोटैटो की सॉस बनाएंगे। ये म्योनीज है, होममेड म्योनीज है। इसमें ओरिगेनो डालेंगे, पूरा पाउच ओरिगेनो का डाल देंगे। चिली फ्लेक्स डाल देंगे, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच सॉस का डालेंगे। और ये जो गार्लिक है, लहसुन, वो भी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, 1/2 टीस्पून नमक डाला है। और अब इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। बस ये हमारी काजून पोटैटो की एक बढ़िया सी सॉस तैयार होगी। अगर आपकी मेयोनीज मार्केट की है तो इसमें हल्का सा दूध मिलाएं,
क्योंकि मार्केट की मेयोनीज थोड़ी थिक रहती है, इसलिए उसमें दूध मिलाएंगे हल्का सा। बस बढ़िया सी सॉस एकदम से तैयार है काजू पोटैटो की। आप इसको घर में बड़ी आराम से बना सकते हैं। बस सर्व करने के लिए तैयार हैं काजू पोटैटो। सबको पसंद आने वाली है ये चाइनीज डिश, बच्चों को भी सबको, बड़ों को बहुत पसंद आएगी सबको ये। आप घर में इसे ज़रूर बनाएं, मेरी वीडियो को बार बार देखें और इसको बनाएं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो बढ़िया सी काजू पोटैटो की आपको ये रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। तो मिलते हैं अगली न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।